उमरिया जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा पैदल मार्च करते हुए गश्त की गई और लोगों से मुलाकात कर विविध विषयों की जानकारी ली गई। एसपी प्रमोद सिन्हा ने बताया कि पुलिस महानिदेशक भोपाल के निर्देश अनुसार यह अभियान चलाया गया, जिसमें जनमानस से जानकारियां ली जा रही हैं। साथ ही शहडोल जोन के एडीजी डीसी सागर के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय से लेकर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस टीम के द्वारा पैदल मार्च करते हुए लोगों से उनका हालचाल जाना जा रहा है और विभिन्न नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि इस अभियान के तहत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। अपराध की रोकथाम के लिए कई तरह के अनिवार्य कार्य भी पुलिसिंग व्यवस्था में जोड़कर उनका क्रियान्वयन कराया जा रहा है, ताकि जन सामान्य पुलिस से सीधा संवाद कर सभी स्थितियों की जानकारी साझा कर अपना योगदान दे सके। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय और पुलिस के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए और समय समय पर निर्देश प्राप्त होता रहता है, जिसके तारतम्य में हम लोग ये पैदल दस जो ये थी कावर है उस समय हमने आयोजन किया है, जिसमें हमारे सारे अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और ये कार्यक्रम पूरे जिले में संतुलन पर आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम पैदल निकले, फिर जो हमारे व्यापारी लोग हैं, ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनसे हमने मुलाकात की, संपर्क किया और उनकी परेशानियों को समझा। उनसे हमने ये जानने की भी कोशिश की कि उन्हें किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा परेशानी तो नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त हमने कुछ जो हमारे जो सराफा बाजार हैं या और बहुमूल्य जहाँ पे सामान्य सामान रखे जाते हैं उसकी बिक्री की जाती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हमने चेक किया और जो खामियाँ उसमें पाई गई हैं उसके दुरुस्त करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि जो सीसीटीवी का कवरेज है वो बढ़ाएँ और जो कैमरे की गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाएँ। इसके अलावे जो कुछ ऐसे लोग भी हमारे शहर में हैं जिन्होंने समय समय पर पुलिस की मदद की है, चाहे वो अपराध को पकड़ने में चाहे अपराधी को पकड़ने में मदद की है, हमने इस पैदल गश्त के दौरान उनसे भी मुलाकात की है। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।